आपको कोरोना लग रहा है और आई डोंट नो व्हेयर शी केम फ्रॉम काइंड ऑफ टर्न मी अपसाइड डाउन आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू आई वांट टू स्पेंड द नाइट एट हर. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे. सो आज का जो व्लॉग है वो काइंड ऑफ रैंडम व्लॉग है. एक्चुअली लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और सौरभ ने व्लॉग का एंड किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आपको कोरोना लग रहा है और आपने कोरोना टेस्ट नहीं कराया. तो मुझे कोरोना नहीं है क्योंकि मेरे कोई भी सिम्टम्स कोरोना वाले नहीं है. सिर्फ मेरा थ्रोट सोर था, खांसी और ये कोल्ड है मुझे. तो कोल्ड आज मुझे थोड़ा सा अपना बेटर लग रहा है और कफ है वो मेरी बॉडी का वीक पॉइंट है. जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो मुझे कफ आ ही जाता है और कोरोना वाली बॉडी का मुझे आइडिया है क्योंकि लास्ट टाइम हमें कोरोना हुआ ही था और एक के बाद एक सबको मतलब कोरोना हो गया था विद इन 3 to 4 days. और अभी मेरा जो तबीयत है वो मतलब मंडे, आज क्या डे है, वेडनेसडे, तो संडे से ही मेरा तबीयत खराब है और घर में सब परफेक्टली फाइन है. और ये सर्दी है उसका रीज़न भी मेरे पास है. एक्चुअली फ्राइडे और सैटरडे को मैंने रनिंग किया था और रनिंग करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ये स्वेटिंग हुई और मुझे गर्मी लगी, तो मैंने अपना ये जो स्वेट शर्ट है वो उतार दिया था. और जैसे कि आपको पता है कि पुणे का जो वेदर है ना वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ड है और इनफैक्ट मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा रहता है. तो मैं एक्सरसाइज करने जाती हूँ 6:45 के आसपास, तो उस समय तो जो लोग उठते होंगे उनको आइडिया होगा कि बाहर कितना ज़्यादा फोग भी रहता है, लेकिन मुझे वही आदत है. तो मैंने ऊपर गर्मी में अपना वो जो स्वेट शर्ट है वो उतार दिया था और उसके बाद मैं अपना फ्लोर एक्सरसाइज करने लगी. तो मुझे वही रीज़न लगता है कि मुझे जो सर्दी हुई है, बाकी कोरोना नहीं है. और कोरोना टेस्ट कराने में मुझे कोई डर नहीं है और इतना कोई ये नहीं है, सब लोगों की रिकवरी हो ही रही है, मुझे दोनों वैक्सीन भी लगे हुए हैं. अगर ऐसा कुछ लगता तो करा ही लेती मैं. सौरभ मुझे बोल भी रहे थे कि कोरोना टेस्ट कराना है क्या, मैंने कहा मुझे कोरोना नहीं लग रहा क्योंकि घर में सब परफेक्टली फाइन है. इसीलिए तो मैंने सोचा कि आपको मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि आपको कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, आपने कोरोना टेस्ट नहीं कराया है और आपके सिम्टम सारे वो लग रहे हैं कोरोना वाले. मुझे फीवर नहीं है और फीवर जो जुकाम की वजह से बॉडी डाउन हो जाती है ना, बस मुझे वो है और थोड़ा वीक फील होता है कभी कभी, उतना ही है. बाकी ऐसा नहीं है कि जिसको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है उसको कोरोना है ही. और अभी का तो टाइम ऐसा है कि इतने ज़्यादा केसेस है, अगर आप ये टेस्ट कराने भी निकलोगे ना तो आपका 100% पॉजिटिव ही आना है. प्रिकॉशनरी तौर पे मैं मतलब किसी से मिल ले रही हूँ, मैं किसी के पास जा नहीं रही हूँ क्योंकि सोसाइटी में फ्रेंड है तो मुझसे मिल लेती थी, उसके पास चले जाती थी. क्यों? क्योंकि ये है कि सर्दी खांसी जुकाम है मुझे. और सपोज मेरी फ्रेंड किसी से मिली या फिर कोई भी नीचे किसी से मिला और उनको भगवान न करे अगर कोरोना हो भी गया तो नाम मेरा हो जाएगा कि नेहा को सर्दी खांसी जुकाम था तो उसी से हुआ है. तो इसीलिए मैं मतलब प्रिकॉशनरी तौर पे मतलब किसी से एज सच मिल रही हूँ. मिलने का रीज़न क्या है कि एक तो मुझे थोड़ा टायर्ड भी फील होता है और मेरा जाने का मन भी नहीं कर रहा है आजकल, तो बस इसी वजह से. तो मैंने सोचा कि आज अपना जो व्लॉग है ना वो शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ अपना जो अपडेट है ना वो शेयर करती हूँ. कफ है मुझे, आज भी ठीक नहीं है कफ और अभी आने वाला है, तो मैं बात करूँ ना तो उसको मैंने थोड़ा सा रोक ही रखा है इनफैक्ट क्योंकि वो मेरा काफ़ी वीक पॉइंट है. तो चलिए, मुझे अभी एक्चुअली क्या ना थोड़ा कोल्ड है ना, तो मेरा सूपी सूपी चीज़ें खाने का मन कर रहा है एकदम हॉट वाली, तो वो रोटी सब्जी वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा. तो जैसे कल मम्मी ने खिचड़ी बना दी थी इवनिंग में ना, तो मैंने मम्मी को बोला था कि खिचड़ी खा लेंगे और आज मैंने कहा कि मैं पनीर वो पालक बना लेती हूँ. सौरभ ने बोला कि उसके अंदर पनीर भी डाल देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म वाला पनीर बनाऊँगी, तो वही बनाने के लिए जा रही थी. तो झटपट से वो बना लेती हूँ क्विक वाला और चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. तो यहाँ पे ना पालक को मैंने बहुत देर पहले ही स्टीम करके रख दिया था क्योंकि जब तक कुक करने का टाइम होता है ना तब तक वो मतलब आराम से ठंडा हो जाता है, इसीलिए तो जब तक ये और ठंडा होता है ना तब तक मैं करती हूँ वेजिटेबल्स की चॉपिंग जो मैं इसमें डालने वाली हूँ. थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं इसको आज बनाऊंगी और इसमें वो अदरक वगैरह और यहाँ पे जो ये गार्लिक है वो भी मतलब साफ हुआ हुआ रखा है देखो, तो ऐसे मतलब इजी हो जाता है ना, वरना गार्लिक पील करने में ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो चलिए मैं ये प्रिपरेशन करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुकिंग प्रोसेस मैं आज इसको कैसे बनाने वाली हूँ.
ये सब प्रिपरेशंस हो गई है और यहाँ पे कढ़ाई में मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, तो इस रेसिपी में मस्टर्ड ऑयल ही ऐड करना है क्योंकि इसमें को मैं काइंड ऑफ अचारी टेस्ट देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो हमारे नाइजीला सीड्स रहता है ना, जिसको कलूंजी बोलते हैं, वो मैंने ऐड किया था, और इसमें थोड़ा खड़े मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। और यहाँ पे जब ये मेरा ऑयल बहुत अच्छे से हीट अप हो जाएगा तब मैं मतलब ये ऐड कर दूँगी। थोड़ा सर्दी हो रही है ना, तो दिमाग में भी काम नहीं कर रहा मेरे को। फिर उसके बाद ये हीट अप होने के बाद मैंने जो क्रश किया अपना जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली, वो मैं ऐड कर दूँगी। इनको बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर सोते करना है ताकि इनमें हल्का सा बर्न फ्लेवर आ जाए। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 2 लार्ज अनियन, और जब मेरे अनियन अच्छे से सोते हो जाएंगे तब इसी पॉइंट पे मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। और पनीर को ना फिर यहाँ पे हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाना है। तो बस यहाँ पे जब तक मेरा पनीर पक रहा है, तो मीनवाइल जो भी मैंने अपने थोड़े बहुत बर्तन यूज़ किए थे, जो भी लगेंगे वो मैंने छोड़ दिए हैं, और जो बेसिक तैयारी है वो मैं कर लूँगी, जैसे आटा लगाना, थोड़ा मतलब ये जो इधर उधर क्लीन करना है वो सब मैं करूँगी, क्योंकि हमें पनीर को इसमें थोड़ा सा अच्छे से पकाना है ताकि जो हमारा गार्लिक है, अनियन है, उसका जो फ्लेवर है वो पनीर में अच्छे से आ जाए। सो यहाँ पे जो पनीर है वो मेरा बहुत अच्छे से मतलब फ्राई हो गया है, और क्योंकि अनियन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, यहाँ पे मैं मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं गोड़ा मसाला ऐड करूँगी। और इन मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं 2 टोमेटोज़ का प्योरे ऐड करूँगी। और इस मसाले को ना टोमेटोज़ का प्योरे ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे से ढक के कुक करना है, क्योंकि ये जो टोमेटोज़ का ग्रेवी है ना, ये जितने अच्छे से कुक होगा ना उतना ही अच्छा इस रेसिपी में टेस्ट देगा। और आई एम श्योर कि ये नो फेल रेसिपी है, आप इसको ट्राई करेंगे ना आपको और आपके फैमिली को ना बहुत पसंद आने वाली है। और आप देख सकते हैं कि हेल्दी भी कितनी है, क्योंकि पालक है इसमें और पनीर है, तो बहुत बहुत टेस्टी है रेसिपी बन के तैयार हुई थी। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं आपके पास, और अगर अदर मसाले भी हैं जैसे पाव भाजी मसाला है या फिर कोई और अदर मसाला, आप इसमें थोड़ा सा वो भी ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो जब तक थोड़ा सा ग्रेवी पक रही थी, यहाँ पे मैंने अपना या सुबह ग्रीन चिली लेके आई थी, मम्मी पापा ना नीचे से सब्जी वाला जो आता है सब्जी लेके आए थे, तो ग्रीन चिलीज आई थी, तो इसलिए मैंने इनको अभी मैं ऐसे कर देती हूँ बॉक्स में टिश्यूज़ लगा के इनको अच्छे से रख देती हूँ, तो इससे ना बहुत दिन तक फ्रेश रहती हैं, बहुत चलती हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स मैं हमेशा ऐसे ही पैक करके रखती हूँ, साफ़ करवाते हैं तो साफ़ करने के बाद भी इनको मतलब ऐसे ही पैक करके रख देते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी ना लॉन्ग टाइम तक बने रहती हैं। तो आप मतलब ऐसे करके देखिएगा, वरना अगर आप पॉलीथिन के अंदर ही जैसे लाते हैं और ऐसे कैसे रख देंगे तो बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये है, और बस फाइनली सब मसाले वगैरह ऐड करने के बाद, जो अभी मेरा तो यहाँ पे सब मसाले वगैरह का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं अभी किचन पूरा क्लीन कर दूंगी, बस रोटी बनाने रह जाएंगी। क्योंकि क्या है ना, जो आंखों के सामने मैस दिखता है ना, उससे भी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो इसीलिए मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मेरी आंखों के सामने जो मैस है ना वो मतलब कम से कम हो, तो इसीलिए मैं उसको तुरंत ही हटा देती हूँ, और आपने देखा भी है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि इसको मैं अभी बहुत देर तक पकाने वाली हूँ, इसीलिए। तो अभी सब्जी मेरी पक रही है, जो टोमेटोज का प्योरी है ना वो ऐड कर दिया, क्योंकि उसको डाल के ना बहुत अच्छे से पकाना है, तभी जो सब्जी का टेस्ट है ना वो अच्छा आएगा। और आजकल ना मैं हॉट वाटर ही पी रही हूँ, एक्चुअली मुझे ना हॉट वाटर पीना पसंद है तो मैं हॉट वाटर ही पीती हूँ, लेकिन आजकल ना कुछ ज्यादा ही तेज पी रही हूँ क्योंकि थ्रोट में ना बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा पानी बिल्कुल पिया ही नहीं जा रहा और मन भी नहीं कर रहा है पीने का ना, आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा। एक्चुअली ना मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी ये अमेजोन से ना, तो वो मुझे आपको दिखानी तो थी पहले, लेकिन तबीयत खराब हो गई ना तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो सोचा कि वीडियो भी मुझे पोस्ट करना ही है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये वाला ज्वेलरी सेट दिखाना चाहूंगी, जावेरी पल की तरफ से है ये वाला, और इसका ना जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन कलर है और नीचे ना ब्लू कलर है,
तो ये ना मुझे मतलब काफी अच्छा लगा क्योंकि पर्ल के साथ है ना, मुझे जो पर्ल के साथ चोकर्स होते हैं ना वो काफी अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैं पहन के आपको दिखा देती हूँ। ये मतलब ऐसे जो सिंपल से सूट वगैरह रहता है ना उनके पास भी मतलब उनके ऊपर भी अच्छा लगेगा। और अनवित ना ये भी अपना कार से बैठा प्ले कर रहा है तो थोड़ा सा आपको नॉइज आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे मतलब इसको स्टाइल किया। इसके साथ ना इयर रिंग्स भी मिले हैं। आज कानों में कुछ पहना नहीं है तो पूरा पहन के दिखा देती हूँ। इसका ना कलर मुझे अच्छा लगा था और ब्यूटीफुल टमी फुल नहीं ब्यूटीफुल ये लिया था। एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने कोई ज्वेलरी वाला जो वीडियो ना वो आपके साथ शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर कर दे। तो बहुत सेट ही मिला है इसके साथ ना। तो ऐसे मैं बन गई हूँ वो जोधा बाई टाइप्स ना। थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ और प्राइस वगैरह सब ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो वहां से आप देख लेना। लेकिन ये ना काफी अच्छा है। और उसके बाद ना मैंने लिए हैं ये वाले हूप्स लिए हैं। तो ये ना एक्चुअली प्राइस के हिसाब से मुझे मतलब बहुत अच्छे लगे क्योंकि इसमें ना मतलब 3 का सेट मिला है और मेरे पास ना प्लेन है ऑलरेडी। लेकिन मैं इस टाइप के ना कुछ वो जो डिजाइनर वाले हूप्स रहते हैं ना वो लेना चाह रही थी तो मैंने ऐसे वाले लिए हैं। इसमें एक प्लेन भी मिला है। यहाँ पे पर्ल है, ये गोल्ड के साथ ऐसे पर्ल रैप वाला है और ये यहाँ पे छोटे वाले हैं। इनको आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर वाले उसमें भी पहन सकते हैं लेकिन मैं ऊपर वाले उसमें ये वाला पहन के रखती हूँ ना अपना, तो मैं मतलब चेंज नहीं करती हूँ उसको उतना ज्यादा। तो ये मुझे मिला है तो मुझे काफी अच्छे लगे थे ये वाले। मैंने ये पहन लिया ना तो मैं आपको पहन के दिखा नहीं पाऊंगी लेकिन आप किसी भी ब्लॉग में आप इसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैंने लिया है और सभी की सभी जो ज्वेलरी है ना वो अफोर्डेबल प्राइस में है और सभी के जो डिजाइन है ना वो काफी अच्छे हैं। मैंने वेस्टर्न के लिए एक्चुअली लिए हैं क्योंकि मैं मतलब एथनिक तो काफी कुछ लेते रहती हूँ लेकिन अभी कुछ ऐसे मतलब ट्रिप्स वगैरह हुए जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे पास वेस्टर्न के लिए नहीं है कुछ इयर रिंग्स तो मैंने एक ये लिया है। इसका जो इसमें ना बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहें ना तो उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। मुझे काफी अच्छा लगा। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर है। ये आप वेस्टर्न और इंडियन मतलब दोनों के साथ ही आप पेयर कर सकते हैं। काफी अच्छा है ये। एक्सक्यूज मी। तो काफी अच्छा है ये वाला ना। एक मैंने और इयर रिंग्स लिए हैं जो वेस्टर्न और ये अपना इंडियन दोनों के साथ ही चला जाएगा। इसका कलर मुझे अच्छा लगा और इस कलर का ना मेरे पास एक टॉप भी है तो मुझे लगा उसके साथ में परफेक्टली मैच होगा तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे पूरा ये जर्कन वाला काम है और ये भी ना पूरे स्टोन्स हैं तो स्टोन वाले जो इयर रिंग होते हैं ना वो मतलब अच्छे लगते हैं, थोड़ा रॉयल लुक देते हैं। और एक मैंने लिए हैं ये वाले इयर रिंग्स ना, तो मैं क्या करती हूँ जब भी जैसे कोई इयर रिंग्स वगैरह लेती हूँ ना तो मैं उनको ऐसे पैकिंग के साथ नहीं निकालती हूँ क्योंकि क्या है ना पेयर भी बने रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। तो आप भी मतलब ऐसे करके देखना, आपको बहुत हेल्प होगा। आप किसी भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर में उनको ऐसे रखेंगे ना तो आप इजीली उनको सर्च कर पाएंगे और मैनेजेबल रहेंगे। तो मैंने ये मतलब ओपन कर लिया था और चेक भी करके देख लिया था। काफी ब्यूटीफुल है ये देखो, बहुत अच्छा। ये भी पूरा मतलब स्टोन में है यहाँ पे। और मैं भी आपको दिखा दूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट जो मतलब बहुत ही सुंदर है। देखो पहन के आपको दिखाती हूँ, मतलब बहुत ही रॉयल लुक है इस वाले ब्रेसलेट का ना। जब आप पहनेंगे ना आई एम श्योर कि आपसे काफी सारे लोग ना पूछने वाले हैं कि ये मतलब ये ब्रेसलेट कहाँ से लिया है। ये बहुत सुंदर है। इसमें सिर्फ यही वाले कलर्स अवेलेबल है, उसमें बिग स्टोन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ये पर्ल वाला काम है पूरा और आप इसको ऐसे क्लोज करेंगे ना तो ऐसे मतलब ये अच्छा लगेगा उस साड़ी के साथ, सूट के साथ ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सकट चौथ आने वाली है तो मैं सोची थी कि उसके साथ मतलब साड़ी वगैरह जो भी पहनूं उसके साथ मैं ये वाला पहनूं तो मतलब स्मार्ट लगेगा और अच्छा भी दिखेगा। कलर बहुत अच्छे हैं इसके। और ना एक मैंने लिए थे ये वाले स्टिकर्स, तो ये मेरे पास पहले भी थे ग्लासगो में तो वो मेरे मतलब फिनिश हो गए थे। बहुत ईजी है नेल आर्ट स्टिकर्स ना, और बहुत सारे मिले हैं ये। ये कम से कम आपके ना 3-4 साल खत्म नहीं होंगे अगर आप बहुत ज्यादा लगाते दोबारा लगे। और ये लगाना भी बहुत सिंपल होता है, नेल पेंट लगाओ, नेल पेंट के बाद ना ट्रांसफर शीट्स हैं एक्चुअली, इसको अगर आप कट करेंगे ना इतना कट करने के बाद आप इसको अपने मतलब ऐसे नेल पे लगाएं और ऊपर से थोड़ा मतलब पानी प्रेस कर देंगे ना तो ये मतलब डिजाइन पूरा बाहर आ जाएगा।
ये देखो मैंने कितना प्यारा ब्रेसलेट लिया है, ये वाला भी एकदम मतलब इस प्राइस में ना मुझे लग नहीं रहा था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। ये देखो बटरफ्लाई बहुत सुंदर है रोज गोल्ड में ना, रोज गोल्ड ऑलवेज स्मार्ट लगता है, बहुत प्यारा ये ब्रेसलेट है। यहाँ से मतलब पूरा ये लॉक वाला है और ऐसे आप इसको ओपन करेंगे ऐसे पहनेंगे, कितना प्यारा ही लग रहा है रोज गोल्ड में ना, बहुत सुंदर है। और ये मैंने लिए हैं 2 pair of earrings, ये मतलब 2 के सेट में ही आया है, इनको ना बस मैंने देख लिया था ओपन नहीं किया था, तो इसके भी ना मतलब रिव्यू काफी अच्छे थे। देखो सिंपल सा लॉक सिस्टम है इनका और है भी क्यूट से, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। ब्लैक और व्हाइट ऐसे कलर हैं कि जो मतलब हर किसी ड्रेस के साथ चले जाते हैं। मैंने एक क्यूट सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर लिया है, ये आप अपने ड्रेसिंग पे रखेंगे ना, पिक्चर में काफी बड़ा दिखाई दे रहा था लेकिन ये मतलब उतना बड़ा नहीं है, तो आप कहीं पे भी इसको आराम से रख सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं, बस हल्का सा यहाँ पे कुछ भी सेलो टेप लगा देंगे ना तो आपकी ज्वेलरी एकदम ऑर्गेनाइज भी रहेगी और बहुत कम स्पेस लेगा। तो ऐसे देखो ये पार्टीशन वाला है, क्योंकि ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजर जितने हो ना, मतलब मेरे लिए तो मतलब कम है क्योंकि मुझे काफी ज्यादा शौक है ना इमिटेशन ज्वेलरी का, आप देखते ही हैं मैं काफी कुछ लेते रहती हूँ। और एक सौरभ मित्तल के लिए लिया है मैंने ये ब्लेजर ऑर्गेनाइजर, 2 पीस आए थे, एक उन्होंने लगा लिया, बहुत दिनों से बोल रहे थे मेरे लिए एक ऑर्डर कर दो, क्योंकि उनके पास पहले भी हैं और ना बहुत काम के होते हैं ये वाले, तो जो लोग यूज करते हैं उनको आइडिया हो गई। तो इसमें ना सेफ रहते हैं ब्लेजर, तो मेरे पापा के सारे ब्लेजर इसी में मतलब इस टाइप के कवर्स में रखे होते थे, तो कभी कभी बहुत याद आती है। और भाई भी इसी में ही ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखता है इस टाइप के, उनके पास मतलब ट्रांसपेरेंट वाले हैं और भी, मुझे अमेजोन पे मतलब ये दिखाई दिए थे तो फिर मैंने ये वाले ऑर्डर किए, तो क्वालिटी मतलब ठीक है इसकी इस प्राइस में ना, तो ये है। तो ऐसे काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, इसके अंदर आप हैंगर लगा के आराम से आप इसमें लगा सकते हैं और इसको ऐसे फिर फोल्ड कर दो तो ये स्पेस भी कम लेंगे, इनफैक्ट आप इसको बेड वगैरह में भी रख देंगे ना तो ये मतलब सेफ रहने वाले हैं आपके और मतलब कुछ नहीं होगा, तो जैसे धूल वगैरह रहती है बॉर्डर वगैरह में लटके रहता है ना, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजर होना जरूरी है। तो मैं इन सबके जो लिंक्स है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप इनमें से कुछ लेना चाहते हैं तो। वैसे भी अभी अमेजोन पे चल रही है ग्रेट इंडियन रिपब्लिक सेल जिसमें ना 17 to 21 है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। मैंने जब ये ऑर्डर की थी तब सेल नहीं थी, अभी हो सकता है कि ये इनके प्राइस और भी कम हो गए हो, तो आप एक बार जाके जरूर चेक करिएगा, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए अब देखते हैं अपनी सब्जी का हाल क्या चल रहा है, क्योंकि आई एम श्योर कि टमाटर हमारे पक गए होंगे, अब नेक्स्ट स्टेप की बारी है। सो आप देखिए हमारा जो मसाला है वो कितने अच्छे से भुन गया है, बस इस पॉइंट पे हमने जो अपना पालक पीसा था ना वो हम ऐड करेंगे और पालक को हम बॉयल करेंगे और इसमें वाइट बटर ऐड करेंगे, उसको डालना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उससे हमारा जो पालक पनीर है ना उसका टेस्ट आएगा। और ये कुछ स्टेप्स हैं जो इस रेसिपी में फॉलो करने हैं और उन्हीं से ही इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो एनहांस होगा। तो बस यहाँ पे पालक में मैंने वाइट बटर ऐड कर दिया और इसको थोड़ी देर में पकाऊंगी और फिर बाद में इसकी हम टेम्परिंग ऐड करेंगे क्योंकि इसको भी थोड़ी देर तक पकाना है हमें। सो बस यहाँ पे अच्छे से सब्जी बन गई है, इसमें मैं टेम्परिंग ऐड करूँगी और टेम्परिंग देसी घी की ही ऐड होगी इसमें, देसी घी और हींग और इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर ऐड होगा। और टेम्परिंग ऐड करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उससे ही इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने थोड़ा सा पतली रखी है क्योंकि मेरा थोड़ा सा सूपी खाने का मन था इसीलिए, अगर आप इसको थिक रखना चाहते हैं तो पानी ऐड मत करिएगा, वो आपके ऊपर है। और बट ट्राई ज़रूर करिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है, आई एम श्योर कि आपको पसंद आने वाली है। अमेजिंग, विंटर में ना ये वाला जो बॉल है ना वो इतना सेटिस्फैक्टरी है आई कांट टेल यू। और विंटर स्पेशल पापड़, क्योंकि विंटर में पापड़ खाने का जो मजा है ना वो अलग ही है, और एक बार जरूर ट्राई करिएगा आप ये वाली सब्जी ना, आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मुझे ना आजकल एक्चुअली थोड़ा ठंडा लग रहा है ना तो उसमें इस टाइप की चीजें बहुत पसंद आ रही है और ये रियली बहुत अच्छी है, हर चीज का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है ये।
रियली रियली बहुत टेस्टी है। टेस्टी फूड विद फेवरेट प्लेस, क्योंकि मुझे डिनर ना बीन बैग पे करना ही पसंद है। मैं यहीं पे बैठ के अपना डिनर करती हूँ, लंच बाहर करती हूँ, ब्रेकफास्ट बाहर करती हूँ, बट डिनर का मेरा एक कंफर्ट पोजीशन है जो मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ, क्योंकि इसके अलावा ना मुझे कंफर्ट फील नहीं होता है डिनर के टाइम पे ना। रियली मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो चलिए मैं अपना जरा इंजॉय कर लूँ फेवरेट बॉल, और आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप सुबह को देख रहे हैं ना तो शाम को ये सब्जी जरूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आने वाली है। सो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं, और अगर आप यहाँ तक मुझे देख चुके हैं तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, बाय।